गढ़वा जिला की बड़ी खबर, बालू ढुलाई कर रहे 7 ट्रैक्टर जब्त। गढ़वा के बिशुनपुरा प्रखंड के सीईओ निधि रजवार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 ट्रैक्टर को जब्त किया है। कुछ दिन पहले बालू माफियाओं द्वारा इन्हें कुचलने की भी कोशिश की गई थी। अपनी इस कार्रवाई से गढ़वा जिला की यह महिला अधिकारी बालू माफियाओं पर नकेल कसी है। इनकी चर्चा भी पूरे जोरों शोरों से हो रही है। उन्होंने कहा, प्रखंड में यदि कोई अवैध बालू उत्खनन होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगा। विशुनपुरा संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। विशुनपुरा सीओ सुश्री निधि रजवार द्वारा विशुनपुरा प्रखंड मुख्यालय के पिपरी बालू घाट पर छापामारी की गई। मौके से 7 ट्रैक्टर को जब्त कर विशुनपुरा थाना को सुपुर्द किया गया, जिसकी कार्रवाई जांचोपरांत की जाएगी। बताते चले कि राज्य सरकार अवैध खनन के मामले को लेकर पूरी सख्ती अपनाए हुए हैं, लेकिन अनुमंडल मुख्यालय के विशुनपुरा प्रखंड क्षेत्र में खनन माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे सरकार को राजस्व की भी भारी क्षति हो रही है। बताया गया कि विशुनपुरा प्रखंड के दर जोगीराल, जतपुरा, संध्या, कोचिया, महुली, सोंडीहा, पिपरीकला गांव स्थित बांकी नदी में बड़े पैमाने पर बालू का खनन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बालू माफियाओं द्वारा दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक धड़ल्ले से प्रत्येक दिन बालू का उठाव किया जा रहा है। खनन माफिया इतने बेखौफ हैं कि बांकी नदी में कई जगहों पर बालू निकालकर मौत के कुआं के रूप में तब्दील कर दिया है और कभी भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। 5 वर्ष पूर्व दर गांव स्थित बांकी नदी तट पर बालू माफियाओं द्वारा बनाए गए मौत के कुआं में डूबने से पतिहारी गांव के 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई थी। इस अवैध बालू खनन को लेकर अंचलाधिकारी निधि रजवार पिपरी स्थित बालू घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान बालू घाट से बालू उठाव कर रहे ट्रैक्टरों से कागजात की मांग की गई, लेकिन गाड़ी का कागजात चालक नहीं दिखा पाए, जिसके बाद सीओ के निर्देश पर विशुनपुरा पुलिस ने 7 ट्रैक्टर को जब्त कर थाने ले गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीओ निधि रजवार ने बताया कि प्रशासन अवैध खनन को लेकर गंभीर है। निर्धारित बालू घाटों के अलावे अन्य जगहों पर बालू उत्खनन को लेकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पिपरी में कई जगहों पर अवैध रूप से बड़े पैमाने पर बालू डंप किए गए हैं। सीओ ने डंप किए गए बालू का भी जायजा लिया। सीओ ने कहा कि जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। मैम, बालू उत्खनन में कितने ट्रैक्टर जब्त किए गए? आज पिपरी कला घाट से 7 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। बालू माफिया द्वारा जगह जगह पर काफी मात्रा में बालू का डंप किया गया है, इस पर आगे की कार्रवाई क्या होगी? डंपिंग यार्ड अगर नहीं है यहाँ पे और उस जगह पे डंप किया गया है तो उसमें पहले जांच किया जाएगा कि वो भूमि किसकी है, किसके खेत या जमीन पे वो बालू डंप किया गया है और किस उद्देश्य से डंप किया गया है, इसकी जांच की करके अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। जिस जगह से बालू का उत्खनन किया जा रहा था, क्या उस घाट का सीमांकन पहले हुआ था या अभी? मेरे कार्यकाल में सीमांकन नहीं हुआ है, पहले हुआ होगा तो मुझे जानकारी नहीं है। कुछ दिन पहले भी आपको कुचलने की कोशिश की गई थी बालू माफिया द्वारा, उस समय भी बालू पकड़े गए थे, इसके बावजूद बालू की धुलाई हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक नेक्सस है कहीं ना कहीं कहें तो, और इस पे नियंत्रण हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। बालू माफिया बेखौफ होकर बालू की धुलाई कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर के ही नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है, इसके बावजूद भी बालू चल रहा है और अभी तो 2 घाट का परमिशन है उससे बालू चल रहा है, वो वैध है। इसके अलावा अगर कहीं से चल रहा है तो अवैध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आधार लाएं उधार ले जाएं मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ, अब आपके शहर गढ़वा में श्री हरि इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया है 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस के द्वारा फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर, एसी और भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान। हमारा पता है मेन रोड गढ़वा, किलर शोरूम के बगल में।